जी अस्सलाम वालेकुम। तनासुब का एक सवाल है और तनासुब के सवाल में दो चीज़ें हो सकती हैं, या वो प्रोपोर्शन जो हो सकता है वो डायरेक्ट होगा या वो इन्वर्स होगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन इसको देख लेंगे कि डायरेक्ट एंड इन्वर्स क्या है। डायरेक्ट होता है कि एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ भी बढ़े, या एक चीज़ कम हो तो दूसरी चीज़ भी कम हो, यानी इकट्ठा काम चल रहा हो। और इन्वर्स ये होता है कि एक चीज़ बढ़े दूसरी चीज़ कम हो, या एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो टाइम दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया हुआ है, और दूसरा हमारे पास स्पीड दी हुई है। तो अब आपसे एक जेन में क्वेश्चन आएगा कि स्पीड और टाइम का आपस में रिलेशनशिप क्या है। तो हमें पता है कि अगर हम स्पीड को बढ़ाएं तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, यानी टाइम थोड़ा लगेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है वो इन्वर्स बन रहा है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि हमारा रिलेशन यहाँ पे इन्वर्स है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि अगर स्पीड 60 किलोमीटर हो और टाइम 5 घंटे लग रहा है, अगर हम स्पीड डबल कर दें, बढ़ा दें, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम आधा हो जाएगा ना। तो मीन्स 2.5 इसका आवर्स इसका आंसर होगा। ये तो मैंने एक आपको जनरली इजी क्वेश्चन है आपको बता दिया। इन केस अगर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो तो फिर कैसे करना है? ठीक है, डबल हो रहा है ना, 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रहा था, 120 किलोमीटर होगी, डबल हो गया, तो टाइम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो 2.5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे की बजाय 2.5 घंटे लगेंगे। बट इसको हम सॉल्व कैसे करते होते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, स्पीड है और टाइम है। ठीक है, और स्पीड कितनी है जी? पहले स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर्स, तो पहले स्पीड 60 थी, तो अब स्पीड कितनी हो गई है? और टाइम कितना लगा? 5 आवर। अब स्पीड कर दी है 120, और टाइम कितना लगेगा ये आपने मालूम करना है, तो इसको मैं एक्स कह लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम बनाएंगे ये वाले जो तीर होते हैं। ठीक है, तो मैंने बहुत दफ़ा बताया कि पहला तीर हम एक्स के ऊपर बना देते हैं, एक्स जहाँ पर लिखा है ना, जो आपने चीज़ फाइंड करनी है उससे ऊपर लगा देने हैं। अब देखें, रिलेशनशिप इन्वर्स है ना, तो ये तीर आपने उल्टा लगाना है। ठीक है, अगर ये डायरेक्ट होता तो ये भी आपने ऊपर लगा देना है। अब ये तीर क्यों लगाए हैं? एरोज़ का मकसद क्या है? एरोज़ का मकसद ये है कि एक्स यहाँ से तीर स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ से आपने एक्स बाय 5 ऐसे इक्वेशन बना लेनी है, और यहाँ से तीर स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए 60 बाय 120 नहीं लिखना, 60 बाय 120 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऊपर तीर हम बनाते हैं तो फिर 120 बाय 60 लिखते हैं, तो अब ऊपर से नीचे आ रहा है तो 60 बाय 120 हो जाएगा, और एक्स आपने निकालना है तो ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया 120, 0 0 से कट गया। ठीक है, और 0 0 से कट गया, और ये 2 पे टेबल पे 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12, और 5 को आपने 2 पे डिवाइड कर लेना है, जो कि होता है 2.5 आवर्स, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट इन्वर्स के जो प्रोपोर्शन के सवाल होते हैं वो आपने ऐसे करने होते हैं। बस पॉइंट इसमें आपने ये याद रखना है कि अगर ये डायरेक्ट होता रिलेशनशिप, तो ये तीर जैसे ऊपर लगाया था ना एक्स वाला, बिल्कुल दूसरा भी इसी तरह लगाता और फिर 120/60 लिखता। बस ये थोड़ी सी इसमें आपने ट्रिक जेन में रखनी होती है। आई होप सो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप